अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हमने आज सोचा है कि आपको लैपटॉप से हट के टैबलेट कैटेगरी में भी कुछ कंटेंट दिखाया जाए। तो हमारे पास जैसे टैबलेट कैटेगरी के लैपटॉप पड़े हुए हैं, और ये विंडोज़ ग्रेड टैबलेट है। मतलब ये सारे के सारे ऑफिशियल विंडोज़ के साथ आते हैं। इनमें से कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं जो एंड्रॉयड बेस हो या एप्पल के मैक ओएस बेस हो। तो ये सारे के सारे आपको विंडोज़ बेस मिलते हैं। मतलब फुल फ्लेज आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, आउटलुक। ये कैटेगरी जो सी है ये सीधा डिफाइन किया जाए कि उनके लिए बनी है जो से कहते हैं यार हमें इजी यूज़र फ्रेंडली हैंड कैरी वाली मशीन चाहिए, जिससे हम ईमेल्स वगैरह का रिप्लाई कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे है इस पर सिर्फ ईमेल्स व्यू करने का काम करते हैं, रिप्लाई करने वाले भी बंदे कम हैं। जो कहते हैं हमें एक लाइट वेट मशीन चाहिए जिसको हम हैंड कैरी कर सकें। तो ये सारी वो कैटेगरी है। इसमें मेरे पास कुछ टैबलेट जो हैं वो विद कीबोर्ड है, और कुछ विदाउट कीबोर्ड वाला भी स्टॉक आया हुआ है। तो सबसे पहले तो विद कीबोर्ड वाले लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास है HP का मॉडल है, ये Elite X2। ये कोर i5 की 7th जनरेशन में आता है। ये 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है। और वैसे जितने भी जो से ये टैबलेट कैटेगरी के लैपटॉप्स आते हैं ना, जो से 2-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब डी अटैच में आते हैं, इनके अंदर आपको बैक कैमरा भी देखने को मिलता है। और बैक कैमरे का लोग कहेंगे यार लैपटॉप में बैक कैमरे का क्या काम है। तो इसके अंदर बैक कैमरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसकी मेन हाईलाइट होती है। बैक कैमरा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है जिसको आप ऑन द गो सीधा स्कैन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक 6 मेगापिक्सल का कैमरा या 4 मेगापिक्सल का एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा लगा होता है, जिसे हम ऑन द गो डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैनिंग कर सकते हैं। मतलब आपको अरेंजमेंट और जिसे कहते हैं कि प्रोडक्टिव काम करने के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाती है। i5 की 7th जनरेशन 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ ये वाली मशीन आपको 62,000 में मिल जाती है, HP की Elite X2। इसी में मेरे पास एक और मॉडल भी अवेलेबल है, जो कि है HP का Pro X2। वो भी सेम स्पेक्स में आता है, कोर i5 की 7th जनरेशन है। वो Elite X2 थी, ये Pro X2 अवेलेबल है। ये भी i5 7 8 256, और ये भी जो सी है 62,000 में मिल जाती है। और ये वाला जो सा मेरे पास Pro X2 है, ये विद कैमरा वाला वेरियंट अवेलेबल है, और विद फिंगरप्रिंट वाला। मतलब दूसरे वाले में हमारे पास फिंगरप्रिंट नहीं है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। i5 की 7th जनरेशन है 62,000 में। नेक्स्ट चलते हैं हम 8th जनरेशन की तरफ। तो 8th जनरेशन में मेरे पास जो से हैं डेल के अंदर भी 2 यूनिट अवेलेबल हैं। डेल के अंदर आपको i5 की 8th जनरेशन मिल जाता है, 8 GB रैम, 256 GB, और लैटीट्यूड का एग्जैक्ट मॉडल है 5290 5290 2-in-1 है। और ये वाली जो सी मशीन है ये भी i5 की 8th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। और ये नहीं कि इनके अंदर प्रोसेसर जो है वो लो ग्रेड वाला लगा हुआ है, नहीं, इसके अंदर i5 8 का वही एग्जैक्ट प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि आपको नॉर्मल i5 8th जनरेशन के लैपटॉप में नज़र आता है। मतलब 83 i5 का 8350U लगा हुआ है प्रोसेसर, एग्जैक्ट इसका बता दूँ। ये 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ 72,000 में मिल जाती है, 72,000 में। और इसमें भी मेरे पास 2 यूनिट अवेलेबल है, ये भी डी अटैच में आते हैं। और ये जो से मैंने अभी चारों मॉडल बताया ना, मतलब डेल वाले 2 और HP वाले दोनों, ये फुल HD रेजोल्यूशन के अंदर आते हैं, और 12.5 इंच का स्क्रीन साइज़ है इन दोनों का। अब नेक्स्ट जो सी मेरे पास प्रोडक्ट है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस है। और सरफेस ऑलवेज जो सा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेबल पर रखती है। अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो ये वाला जो सा मॉडल है ये 3K+ रेजोल्यूशन में आपको मिल जाता है, नियर 4K इसकी रेजोल्यूशन है। और स्क्रीन के कलर्स बड़े इंप्रेसिव कलर्स होते हैं इस मॉडल के, बल्कि इसकी ब्राइटनेस भी आपको ना बढ़ा के दिखा दूं, तो ये आप इसके कलर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, फुल फ्लैश विंडोज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। i5 की 10th जनरेशन वाला मेरे पास एक पीस है, 8 GB रैम, 256 GB, ये 1,06,000 में मिल जाएगा। और इसी में मेरे पास एक i7 10 वाला मैट ब्लैक एडिशन आपको मिल जाता है। और ये i7 10 है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है, सरफेस प्रो 7 है इन दोनों का मॉडल। और ये वाला पीस जो सा है ये आपको 1,25,000 में मिल जाता है, 16512 के साथ। i7 की 10th जनरेशन है, दोनों 3K+ रेजोल्यूशन में मिलते हैं। और अब लास्ट जो सा इसमें मॉडल है, ये हमारे पास वो स्टॉक है जो विदाउट कीबोर्ड आया है। अक्सर बाहर से कीबोर्ड नहीं आते, लेकिन ये एक जिसे कहते हैं कि बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि हमने 5290, मतलब 5290 जो सी 5000 वाली सीरीज़ है, जो कि थोड़ी सी फैट वाली सीरीज़ होती है ना, वो वाली हमने 72,000 की आपको वीडियो में बताई थी। लेकिन इसी का जो सा मॉडल है 7200, जो कि अगला मॉडल है और ज़्यादा स्लिम वाला मॉडल है, 7200 2-in-1 मेरे पास i5 8th जनरेशन में अवेलेबल है। और इसके अंदर जो i5 8th जनरेशन प्रोसेसर लगा है वो ज़्यादातर लैपटॉप के i5 10th जनरेशन के बराबर है,
इसके अंदर हाई एंड i5 8 लगा हुआ है, और ये मेरे पास टैबलेट कैटेगरी में आए हैं विदाउट कीबोर्ड है। ये 55,000 में आपको 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ मिल जाएंगे, और ये सारी की सारी मशीनें ये सरफेस के अलावा टाइप सी के साथ आती हैं। सरफेस का अपना मैग्नेटिक चार्जर होता है, और ये टाइप सी चार्जर, इनका चार्जर आप मोबाइल के साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा बल्क कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट ये एक टैबलेट है जिसके ऊपर आप नोट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, और ये सारे के सारे स्टाइलस पेन सपोर्टेड डिवाइस, सबके साथ स्टाइलस पेन जो हैं वो वर्क कर जाते हैं, तो सीधा स्केचिंग और नोटबुक वगैरह ये सारा काम ये इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये i5 की 8 जनरेशन 8 GB रैम 256 GB के साथ आपको 55,000 में मिल जाएगी। तो हमारी शॉप जो सी है वो हफीज सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजे में है। शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 03216827158 है, तो आप मुझे रब्ता करें। और भी इंशाल्लाह अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा भी मेरे पास ये जो से टैबलेट कैटेगरी है 15 पीस है, और बाकी की क्वांटिटी जो सी है वो एक एक दो दो पीस ही ज़्यादातर आते हैं, तो ये मैंने दिखा दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास डेल का जो सा है i7 10th generation i5 10th generation में भी क्वांटिटी अवेलेबल है। थिंकपैड में i5 10 आए हुए हैं, जो से T सीरीज़ है और E सीरीज़ है। तो आप शॉप विजिट करें, अच्छे स्टॉक से आपको एंटरटेन किया जाएगा।